Hello friends, welcome back to my channel, I am Ashutosh. Friends, in today's lesson, we will be learning about force and pressure. ये part 2 है, part 1 का link description में दिया हुआ रहेगा, जाके देख लीजिएगा. तो पिछले वीडियो में हमने देखा था what is force, force का formula देखा था, हमने देखा था what is acceleration, फिर acceleration का भी formula देखा था. उसी तरीके से आज हम देखेंगे resultant force क्या होता है, balanced force क्या होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, और कुछ कुछ सवाल रहेंगे आपके लिए. तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपके लिए सवाल रहेगा, है ना जी. और डिफरेंसेस हम बताएंगे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है ना. तो बहुत सारी चीजें होने वाली आज की वीडियो में, लास्ट तक देखिएगा क्योंकि अगर आपने बीच में स्किप किया तो आपको समझ में नहीं आ सकता है. चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले व्हाट इज रिजल्टेंट फोर्स. सो व्हेन मोर देन वन फोर्स इज एक्सेलरेटेड ऑन अ बॉडी साइमल्टेनियसली, देन अ सिंगल फोर्स व्हिच इज produces effect as earlier is resultant force. It means that when more than two, one body is accelerating on any object, and the object is changing its state, it means that the object is changing its state from the stationary to the motion. आपको बता दूँ stationary का मतलब होता है कि rest में कोई body रहता है, ठीक है ना. तो उसे हम कहते हैं stationary objects, ठीक है. तो यहाँ पे for example हमने ले लिया है, जैसे कि ये यहाँ पे एक बॉक्स रखा है, ठीक है, और ये सरफेस है, ठीक है, ये आपका सरफेस बॉक्स रखा है, ठीक है ना. तो इधर से हमने मारा 10 न्यूटन की फोर्स से, हम इसे धक्का दे रहे हैं, ठीक है, जैसे पुश कर रहे हैं विद द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन. वेयर एज इस तरफ से एक दूसरा आदमी फोर्स लगा रहा है, कितने न्यूटन का वो लगा रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स, ठीक है. तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो है 5 न्यूटन. कैसे? तो 10 माइनस 5 करिएगा तो 5 आता है. तो अगर आप देखो, आपने पुल पुश किया 10 न्यूटन के फोर्स से, तो मान लीजिए वो 10 सेंटीमीटर आगे गया, और उधर से उसने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो वापस वो 5 सेंटीमीटर आ गया. तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? जो भी बड़ा वाला मतलब ज्यादा फोर्स जो लगता है ना, वो आप करते हो, उससे आप माइनस कराते हो जो भी फोर्स कम लगा हुआ रहता है. जैसे इसमें मैंने कराया ना 10 माइनस 5 विच इज 5 न्यूटन. फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बॉक्स रखा है, ठीक है, ये रहा बॉक्स, इधर से हमारे लगा रहे हैं 5 न्यूटन का फोर्स, और इधर से लग रहा है 6 न्यूटन का फोर्स. तो इधर जो फोर्स लग रहा है वो है 1 न्यूटन का टुवर्ड्स राइट. आपको ये बताना भी जरूरी है, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जो ये फोर्स है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी इसके लिए दोनों इम्पोर्टेंट है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस. तो यहाँ पे हमने बता दिया है कि 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इन राइट डायरेक्शन, इधर क्या हो रहा है 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन. ये आपको क्लियर है? और कोई डाउट हो तो आप कॉमेंट में पूछ भी सकते हो, कॉमेंट, ठीक है ना. तो अब हम जानते हैं व्हाट इज बैलेंस फोर्स. व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज बैलेंस फोर्स. यानी कि मैंने लगाया 5 न्यूटन का फोर्स, उधर से एक दूसरे आदमी ने लगाया 5 न्यूटन का फोर्स, तो यहाँ क्या होगा? बॉडी हिलेगा क्या? बॉडी रेस्ट से मोशन में आएगा? नहीं आएगा, है ना. तो इसी को हम कहते हैं बैलेंस फोर्स. फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक सरफेस है, ठीक है, ये एक सरफेस, और यहाँ पे एक इधर से आपका लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स, और इधर से भी लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स, ठीक है. तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स क्या हुआ? जीरो हुआ ना. तो जहां कहीं भी रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है उसी को हम कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है ना. तो अब हम देखते हैं व्हाट इज अनबैलेंस्ड फोर्स. तो वो क्या होता है? इट इज व्हेन अदर रिजल्टिंग फोर्स इज नॉट जीरो. सिंपल सी बात है, जैसे हमने इसका एग्जाम्पल लिया था ना ये वाला, उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल लेते हैं. एक सरफेस है, मेरा ऑब्जेक्ट, ये लगा 10 न्यूटन का फोर्स, और इधर से लगा 5 न्यूटन का फोर्स, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 5 न्यूटन हो गया इसका रिजल्टेंट फोर्स, और ये अनबैलेंस्ड फोर्स है क्योंकि ये एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला रहा है ना, ठीक है. तो अगला है एक सवाल, ऑब्वियसली मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला था, इसका आंसर आप कमेंट में कर सकते हो, नहीं तो मैं इसका आंसर बताने वाला हूँ, ठीक है. देखो क्या है,
इधर जो 10 न्यूटन का फोर्स है वो लग रहा है टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, है ना, और इधर जो लेफ्ट डायरेक्शन में आपका 4 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन, यहाँ पे आपको ध्यान देना है एरो भले ही इस तरफ दिया हो लेकिन फोर्स आपका इसी तरफ लग रहा है, और इसके लिए एरो का जो साइड रहता है वो देखे ना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टाइम पर। तो 10 न्यूटन और 6 न्यूटन है, तो 10 न्यूटन माइनस 6 न्यूटन इक्वल्स टू 4 न्यूटन, तो यहाँ पे 4 न्यूटन तो इसका हुआ रिजल्टेंट फोर्स, पर ये किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, यहाँ इसका आंसर क्या होगा 4 न्यूटन टुवर्ड्स राइट। कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 4 न्यूटन टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, ठीक है, समझ में आया कोई चीज है ना जी, तो ये काफी आसान है वैसे तो, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका एक सवाल, और एक और सवाल मैं आपको दूंगा, कमेंट में रहेगा वो सवाल, जाकर देख लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं सवाल दे दूंगा। तो अब हम देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो सबसे पहले रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो एंड अनबैलेंस्ड फोर्स रिजल्टेंट फोर्स इज नॉन जीरो, यानी इसमें जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो जीरो होता है और इसमें जीरो नहीं होता है, मोर देन जीरो होता है। अगला है इट कैन नॉट चेंज स्टेट ऑफ बॉडी, यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है तो जो बैलेंस फोर्स होता है वो उसको मोशन में नहीं ला सकता है, वही अगर हम बात करें इसका अनबैलेंस फोर्स का देन इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी, यानी वो किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है या फिर किसी मोशन वाले ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी बना सकता है, जबकि ये बैलेंस फोर्स उसे नहीं कर सकता। अगला है इट कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, विश्वास नहीं होता, एग्जाम्पल ले लो एक बलून है, बलून हमने लिया, ठीक है, इधर से फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, इधर से भी फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, ठीक है, बैलेंस फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स आपका जीरो लगा हुआ है, पर अगर आप उसे प्रेस करते हो या दोनों तरफ से तो क्या होता है, उसका जो एरिया होता है वो कंप्रेस हो जाता है ना, तो यहाँ क्या हो रहा है, शेप एंड साइज चेंज वाला ही हो रहा है और उसका स्टेट नहीं। Whereas in unbalanced force, it can also change the shape and size of the object. तो फिर से आप example ले लो, इस पर example लेते हैं एक football का, ठीक है, एक football है, इधर से force लगा है 10 न्यूटन का, अगर आप कोई भी video देखा होगा आपने football को kick होते हुए और उसे अगर आप slow motion में देखोगे आप देखो आपको पता चलेगा जो football होता है surface होता है वो वहाँ पर थोड़ा सा पिचक जाता है और जब वो पिजकता है तो वो दूर जाता है, तो ये किसका एग्जांपल हो गया अनबैलेंस फोर्स का, यानी कि वो भी शेप और साइज चेंज कर सकता है और साथ ही साथ स्टेट भी चेंज कर सकता है, लेकिन बैलेंस्ड फोर्स स्टेट नहीं चेंज कर सकता है लेकिन शेप एंड साइज चेंज कर सकता है। सो गाइस फॉर टुडे ओनली दिस मच, ये था पार्ट टू, आखिरी पार्ट होगा पार्ट थ्री जो कि आपको एक दिन में वीडियो आ जाएगा। फॉर टुडे ओनली दिस मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब and comment if you have any doubts and also answer the question given in the description. Thank you.